जो होती है वो तमम उत उपसर्ग है, उच्च उत्तम इसी से बन रहे हैं, यही अर्थ है। वयम हम सब, हम लोग तमसा परी, तमस के परे, तमस से परे, तमस तम धातु का अर्थ इच्छा करना भी है, दुखित होना भी है। तमस का अर्थ अंधकार हम सबने सुना हुआ है। बहुत अधिक इच्छाएं होना दुख का कारण है और इसी को प्रतीक रूप में अंधकार भी कहा जाता है। कहते हैं भाई जीवन में अंधेरा है, अर्थात दुख है, चिंता है, तनाव है, यही जीवन का अंधकार है। तो कह रहे हैं उत्वयम तमसा परी, हम सब तमस के परे स्वः पश्यन्त उत्तरम, पश्यन्त देखते हैं किसको, स्वः को उत्तरम, उत्तर। देखिए उत कहा पहले और उत से हो गया उत्तर, और अधिक ऊंचा और अधिक उत्तम। हम उत्कृष्ट होकर, उच्च होकर तमस से परे उत्तर को जाकर, अर्थात उत्तर का यहां दिशाओं के उत्तर दक्षिणार्थ न लें, उत्तर जो और अधिक श्रेष्ठ है उस स्वः को देखते हैं। और स्वः क्या है, स्वः भी सु धातु से बनेगा, सु प्रसवे, सु ऐश्वर्य, सु प्रेरणे। तो स्वः का अर्थ प्रगति, ऐश्वर्य, सृजन, प्रेरणा को पश्चंत देखते हैं। देवम देवत्रा सूर्यम, देवम देव को स्पष्ट है, देवत्रा देवों का त्राण करने वाले, एक भाव तो ये भी ग्रहण कर सकते हैं, जो देवों का त्राण करने वाले हैं वे देवम सूर्यम, देव सूर्य को या सूर्य देव को, देवम देवत्रा सूर्यम, देवत्रा देवों का त्राण करने वाले, देव सूर्य को या सूर्य देव को। सूर्य का अर्थ भी वही सु धातु है, सज्जन ऐश्वर्य प्रेरणा कारक परमेश्वर को, सूर्य भी परमेश्वर का एक नाम वेद में है। अगल्म, अगल्म का अर्थ है गए या प्राप्त किया, गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त करने का भाव, जानने का भाव निहित होता है, ऐसा सभी मानते हैं। अगल्म का अर्थ शब्द सा तो गए और भावार्थ प्राप्त किया, जान लिया का अर्थ सामान्यता इससे ग्रहण किया जाता है। कहते हैं कि देवों का त्राण करने वालों ने देव सूर्य को अगन्म जान लिया, प्राप्त किया, ज्योति ही उत्तमम, वह ज्योति जो प्रकाश उत्तमम उत्तम है, अर्थात उत्तम ज्योति वाले, उत्तम प्रकाश वाले सूर्य देव को प्राप्त हो गए, जान लिया, प्राप्त किया। यह इस छोटे से मंत्र में को बताया गया, उत वयम तमसा परि स्वः पश्यन्त उत्तरम, कि तमस से परे जाकर हम श्रेष्ठ स्वः को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को देखते हैं
और इस प्रकार से जो देवत्व का ग्रहण करने वाले, देवत्व का रक्षण पालन करने वाले, वे उत्तम ज्योति वाले सूर्य अर्थात सदन ऐश्वर्य प्रेरणा कारक सूर्य परमेश्वर को अगर प्राप्त हो जाते हैं, उसे जान लेते हैं, उस तक पहुंच जाते हैं, उसे प्राप्त होते हैं, ये भाव इसमें हमने ग्रहण किया है। देखिए उत्तर का एक अर्थ भावार्थ में कर दिया गया श्रेष्ठ तर, वैसे तो श्रेष्ठ में ही श्रेष्ठतम का भाव है, फिर भी बात को कहने के लिए, स्पष्ट करने के लिए यहां लिख दिया गया श्रेष्ठ तर। तो हमारा सारा प्रयास है कि भाव आपके समझ में आए, यही भावार्थ आदि का प्रयोग होता है। मंत्रार्थ में हम शब्द सा अर्थ करते हैं और भावार्थ में प्रयास होता है कि थोड़ा सा आप इसे समझ सकें। तो ये छोटा सा और बहुत सीधा सरल मंत्र है, बहुत अधिक व्याख्या की अपेक्षा संभवतः इसमें नहीं। तो हम अपने इस व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, अभी समय है, हम चर्चा कर सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर सूर्यम का अर्थ अपन प्रकाशमान ना लेकर के व्यापकता से ले रहे हैं। देखिए जहां तक सूर्यम शब्द का अर्थ है, तो सूर्य शब्द का अर्थ न तो प्रकाशमान है और न व्यापक है। जब हम उसका शाब्दिक धातु अर्थ ले रहे हैं तो सूर्य में सु धातु है, सु प्रसवे सु ऐश्वर्य अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान, और सु प्रेरणे प्रेरक, ये सारे गुण परमेश्वर में हैं, इसलिए परमेश्वर को सूर्य भी कहा जाता है। सूर्य सृजनशील है। अब वही अनेक अर्थ में जाएं श्लेष से, जो वेद मंत्रों के अनेक अर्थ कहते हैं, तो यदि भौतिक अर्थ में आदि भौतिक अर्थ जिसे कहा जा सकता है, तो यदि सूर्य को आकाशीय पिंड के रूप में आप देखना भी चाहें तो कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जीवन का सृजन करने वाला, इस जीवन को समृद्ध ऐश्वर्यवान बनाने वाला, हमको कर्मशील होने की प्रेरणा करने वाला, यह सूर्य भी है। तो इस सूर्य को भी हम उस रूप में ग्रहण कर लें, तो जो शाब्दिक अर्थ है वो तो यही है। मुख्य लक्ष्यार्थ वेद में आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर ही है, और आद भौतिक अर्थ में आप आकाशीय पिंड को भी ग्रहण कर सकते हैं, आद लौकिक अर्थ में समाज में इन गुणों से युक्त हमारे प्रेरणा पुरुषों को भी ले सकते हैं। हमारा यही विचार है, सिर्फ जैसा आप लोगों को उचित लगे। ओम धन्यवाद स्वामी जी। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं या फिर समापन हो जाएगा। तो किसी को कुछ और नहीं कहना है तो फिर विराम दिया जाए। ठीक है, फिर कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति। ओम नमः।